नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। संगम नगरी प्रयागराज में इस समय माघ मेले की रौनक हर जगह देखी जा रही है। माघ मेले में स्नान करने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से भी लोग आ रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ मेले में कुछ प्रमुख तिथियों पर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति के साथ पापों का नाश होता है। उसमें से एक तिथि मौनी अमावस्या है, जिस दिन प्रदेश की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी संगम में डुबकी लगाने पहुंची और अपनी बेटी के साथ उन्होंने बकायदा नाव भी चलाई और संगम स्नान भी किया। और इसी दौरान ऊपर से सीएम योगी के हेलीकॉप्टर ने फूलों की वर्षा भी कर दी, जिसे देख सभी ने पूछा कि संगम में ये कैसा मिलन हो रहा है। तो वहीं राजनीतिक गलियारे में संगम में प्रियंका का स्नान, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव और विधानसभा के लिए अभी से ही तैयारी की शुरुआत बताई जा रही है। इन सब बातों के बीच प्रियंका प्रयागराज में एक अटल सच से खुद को बचाती हुई दिखी। ना उन्होंने इस सच का जिक्र किया और ना ही वहां जाकर फूल चढ़ाया, जैसा कि उन्होंने आनंद भवन जाकर अपने पिता राजीव गांधी के नाना और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की रखी अस्थियों पर फूल चढ़ाया। लेकिन अब प्रियंका के इस अटल सच पर योगी के मंत्री मोहसिन रजा ने जोरदार तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे से प्रियंका को परहेज है, लेकिन आज वो गंगा में डुबकी लगा रही है, देवी मंदिर की परिक्रमा कर रही है। नौका खेने से कुछ नहीं होने वाला है। वैसे कांग्रेस के लोगों को अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए गंगा स्नान तो जरूर ही करना चाहिए। प्रियंका प्रयागराज गई, ये अच्छी बात है, लेकिन वहीं उनके दादा जहांगीर का भी घर है और उन्हें वहां भी जाना चाहिए था। मंत्री मोहसिन रजा की ये बात कांग्रेसियों को चुभी तो जरूर होगी और खेमे में ऐसे कई लोग होंगे जो कि कटे सांप की तरह दादा जहांगीर का नाम सुनते ही बिलबिला उठे होंगे। लेकिन दादा के नाम का ये डर इतना है कि सुनते ही कांग्रेसियों की हवा टाइट हो जाती है। बता दें कि जहांगीर गांधी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति थे, जिनकी मौत के बाद उनके शरीर को प्रयागराज में ही दफनाया गया था, जहां कांग्रेस के नेता जाने से भी कतराते हैं। और तो और, इंदिरा की पोती का टैग लेकर घूमने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा अपने ही दादा को इस तरह से भुला देंगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। मंत्री मोहसिन रजा ने किसानों को लेकर भी प्रियंका पर कटाक्ष किया और कहा कि प्रियंका किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती हैं, उनके प्रति हमदर्दी दिखाती हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें अपने पति रॉबर्ट वाड्रा से किसानों की जमीन वापस दिलानी चाहिए। अब यह सुनकर कांग्रेसियों पर क्या गुजरी होगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अब आप भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।